हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर 3 लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। थ्रू दिस पार्ट वी विल ट्राई टू नो अबाउट द जियोग्राफिक ग्रिड, लैटिट्यूड्स, इम्पोर्टेंट पैरालेल्स ऑफ लैटिट्यूड, क्लाइमेट और हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। द नेम ऑफ चैप्टर इज़ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। ओपन पेज नंबर 21। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द अर्थ एंड इट्स पोजिशन इन द सोलर सिस्टम। बिसाइड्स वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द इमेजनरी लाइन्स विच आर ड्रॉन ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्लोब। One set of imaginary lines that run from east to west are called latitudes. The other set of lines that run from north to south are called longitudes. They cut each other at right angles and their criss-crossing on the globe forms a pattern known as grid. These lines help us to locate places on the earth as their intersection pinpoints any place on the earth's surface. हम लोग पहले ही पृथ्वी के लोकेशन के बारे में, कहाँ स्थित है सौर परिवार में, डिस्टेंस के आधार पर तीसरे स्थान पर है ये मरकरी, विनस और अर्थ, इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। हम लोग ये भी सीख चुके हैं कि पृथ्वी का जो मॉडल है ग्लोब, उस पर कुछ लाइंस खींची गई है। ये जो लाइन खींची गई है ये काल्पनिक लाइंस हैं, ये लाइंस खींची गई हैं। इसमें से एक जो सेट है ऐसे लाइन जो ईस्ट से वेस्ट, मतलब इधर से खींच करके ऐसे खींची गई हैं जो भी लाइंस, इनको हम लोग इनको लैटिट्यूड्स के नाम से जानते हैं। जबकि दूसरा जो सेट है जो नॉर्थ से लेकर के साउथ में खींचा गया है, ऐसे आप देख रहे हैं, ये वाला देख रहे हैं आप, ऐसे देख रहे हैं, तो इसको हम लोग लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को राइट एंगल पर तिरछा तिरछी करके ये ग्लोब पर काटती हैं, और काटने के बाद एक आकृति का निर्माण होता है। ये आप देख रहे हैं, ये इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इस आकृति को हम लोग ग्रिड के नाम से जानते हैं। और इसी ग्रिड के माध्यम से पृथ्वी पर का किसी भी क्षेत्र का, एरिया का लोकेशन पता करना है तो वहाँ लोकेट करके फिर उसको हम दर्शाने का कोशिश करेंगे। एक तरह से किसी प्लेस को पृथ्वी पर लोकेट करने में मदद करता है ये ग्रिड। ओके, नाउ द जियोग्राफिक ग्रिड। देयर आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स ऑन द अर्थ, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। Using these two as basic reference points, two sets of imaginary circles are drawn around the globe to help us to locate a place on it. These are parallels of latitude, meridians of longitude. ये ग्लोब आप देख रहे हैं, ग्लोब पर दो फिक्स्ड बिंदु हैं। पृथ्वी के ग्लोब पर दो फिक्स्ड पॉइंट है, एक ये पॉइंट आप देख रहे हैं, एक नीचे आप देख रहे हैं। एक को नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं, दूसरे को साउथ पोल के नाम से जानते हैं। इन दोनों को आधार मान करके, दोनों बिंदुओं को आधार मान करके दो काल्पनिक रेखाओं का सर्कल, ये आप काल्पनिक रेखा देख रहे हैं, लेकिन अगर ये पूरी तरह से इसको देखेंगे तो इधर भी गया है, ऐसे सीधे आ गया है, तो एक सर्कल का जैसा हो जाता है। तो ये ग्लोब पर किसी स्थान को लोकेट करने में हमें मदद पहुंचाते हैं। ये जो लाइंस हैं ये दो प्रकार के हैं, ऊपर भी पढ़े हैं हम। एक होता है पैरालेल्स ऑफ लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड, इसके ऊपर नीचे समान डिस्टेंस पर जो लाइन खींची गई है लैटिट्यूड का, पैरालेल्स ऑफ लैटिट्यूड। और दूसरे जो नॉर्थ टू साउथ हैं इनको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। द इक्वेटर एंड द स्मॉलर सर्कल्स ड्रॉन पैरालेल टू द इक्वेटर इन द नॉर्थन एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर आर कॉल्ड पैरालेल्स लाइन ऑफ लैटिट्यूड। द सेमी सर्कल्स विच ज्वाइन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल एंड ऑल्सो कट द पैरालेल्स ऑफ लैटिट्यूड एट राइट एंगल्स आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और द मेरिडियंस। दीज आर यूज टू लोकेट अ प्लेस ऑन द मैप और अ ग्लोब। इक्वेटर के ऊपर या नीचे, नॉर्थन हेमिस्फीयर में, अब देखो, देखिए ये जो ग्लोब आप देख रहे हैं बीच में इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट को हम लोग नॉर्थन हेमिस्फीयर बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को साउथर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं।
तो इक्वेटर के ऊपर आप जो भी इमेजिनरी लाइंस ये देख रहे हैं लेटिट्यूड, इनका इनका डिस्टेंस, इनका जो मतलब कि सर्किल का निर्माण करेंगे ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाते जाते आप देख रहे हैं ये आकृति छोटी होती जाती है। तो इक्वेटर से नीचे की जो लाइंस है, इक्वेटर से ऊपर की लाइन है, वो छोटा सर्किल होगा रिलेटिव टू इक्वेटर। ठीक, तो इनको हम लोग पैरालेल ऑफ लेटिट्यूड कहते हैं। लेटिट्यूड तो सभी है, लेकिन इस इक्वेटर के ऊपर वाला लाइन, उसके ऊपर या इक्वेटर के नीचे वाला जितना लाइन इस तरह का खींचा गया है, ये पैरालेल है, एक दूसरे के समान अंतर पे है, समान डिस्टेंस पे है, तो इनको पैरालेल लेटिट्यूड के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, अब दूसरा जो है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, वैसे सेमी सर्कल जो कि नॉर्थ पोल से शुरू होकर के साउथ पोल में आते हैं तथा एक दूसरे को आपस में काटते हैं, मतलब लेटिट्यूड को काटते हैं, ये अल्सो कट द पैरालेल्स ऑफ लेटिट्यूड राइट एंगल पर, इनको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड करते हैं। मतलब वो सेमी सर्कल, वो जो नॉर्थ से साउथ खींचा गया है, जो पैरालेल ऑफ लेटिट्यूड को 90 डिग्री पर काटते हैं, उनको हम लोग मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं या मेरिडियंस भी बोलते हैं। इनका उपयोग किया जाता है किसी स्थान को अगर मैप में या ग्लोब में दर्शाना हो तो इनके दोनों जो पिन पॉइंट है, बिंदु है, वहाँ पर दर्शाएंगे हम। नाउ पेज नंबर 22, लेटिट्यूड्स। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये जितने भी लाइंस खींची गई हैं ये ईस्ट टू वेस्ट हैं। सो ये सभी सर्कल जो सभी जो लाइंस हैं, जो एक तरह से सर्कल भी हैं, इनको हम लोग पैरालेल ऑफ लेटिट्यूड के नाम से जानते हैं। और नीचे वाले फिगर में आप देख रहे हैं ये सिर्फ नॉर्थ टू साउथ हैं, तो ये सब क्या है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है, राइट, लेटिट्यूड। द लेटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर एज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ऑल लेटिट्यूड्स आर ड्रॉन पैरालेल टू द इक्वेटर एंड सीन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। एज दीज लाइन्स आर पैरालेल टू द इक्वेटर, दे आर कॉल्ड पैरालेल्स ऑफ लेटिट्यूड। लेटिट्यूड जो होता है वो इक्वेटर के नॉर्थ में या इक्वेटर के साउथ में, ये लेटिट्यूड है, ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर के नॉर्थ में या साउथ में, ये वाला लाइन कितने डिग्री पर है, 10 डिग्री पर है, और ये नीचे वाला कितने डिग्री पर है, 10 डिग्री पर है। तो ये इक्वेटर से ऊपर या नीचे के किसी स्थान को कोणीय दूरी में, मतलब कि एंगल में माप करके बताता है कि वो अर्थ के सेंटर से कितना दूर है। सारे जो लेटिट्यूड हैं वो समान अंतराल पर खींचे गए हैं, समान डिस्टेंस पर खींचे गए हैं, वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट खींचे गए हैं, अतः इन लाइन को इक्वेटर के पैरालेल है ये, तो इन्हें हम लोग पैरालेल्स ऑफ लेटिट्यूड कहते हैं। नाउ इम्पोर्टेंट पैरालेल्स ऑफ लेटिट्यूड। अब ये जो आप लेटिट्यूड सभी देख रहे हैं, इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट भी हैं जो हमको अपने माइंड में हमेशा याद करके रखने पड़ेंगे। द इम्पोर्टेंट पैरालेल्स ऑफ लेटिट्यूड हेल्प डिफरेंटिएट द टेम्परेचर जोन्स ऑन द अर्थ दे आर एज अंडर। महत्वपूर्ण जो लेटिट्यूड पैरालेल हैं वो हमें तापमान जो जोन है पृथ्वी पर उसको समझने में या उनको अंतर करने में हमें महत्व हमें हेल्प पहुंचाते हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर है, इक्वेटर से 23.5 डिग्री 23 डिग्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ में वाला जो लाइन इक्वेटर है, इक्वेटर के ये वाला जो है इतने डिस्टेंस पर जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो भी 23 डिग्री एंड हाफ डिग्री ही डिस्टेंस पर है, लेकिन अंतर इतना है कि वो साउथ में है, तो यहाँ से नीचे आ जाएंगे तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में, डिस्टेंस एंगुलर डिस्टेंस दोनों का इक्वल है। द आर्कटिक सर्कल इज एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 66.5 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से 66 डिग्री एंड हाफ डिग्री जो नॉर्थ में लाइंस आप देख रहे हैं उसको आर्कटिक सर्कल कहते हैं, ये वाला आर्कटिक सर्कल है, और इतना ही डिग्री साउथ में जो है उसको अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। द पैरालेल्स और द लाइंस ऑफ लेटिट्यूड हैव द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। ये जो पैरालेल्स लाइन आप देखे हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बताए गए हैं, उनकी कुछ महत्वपूर्ण कुछ विशेषताएँ भी हैं।
क्या है? ऑल पैरेलल्स आर कंप्लीट सर्कल एक्सेप्ट 90 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज साउथ एंड नॉर्थ विच आर पॉइंट्स। ये ग्लोब्स पर जितने भी आप लैटिट्यूड देखते हैं वो एक प्रकार का सर्किल ही है, लेकिन दो को छोड़ करके। कौन दो को छोड़ करके? जो 90 डिग्री नॉर्थ में है और 90 डिग्री साउथ में है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट हैं, ना कि कोई लाइन है और ना कि ही कोई सर्कल है। ये तो लाइन जितना देख रहे हैं तो ये तो ऐसे घूम जाएगा तो सर्किल ही हो जाएगा, लेकिन ये पॉइंट वाला नहीं घूम पाएगा। द इक्वेटर इज द लार्जेस्ट पैरालेल, द लेंथ ऑफ द अदर पैरालेल डिक्रीज एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल्स। इक्वेटर ये लैटिट्यूड्स ऑफ पैरालेल का सबसे बड़ा पैरालेल है, तथा इससे ऊपर का जो भी लैटिट्यूड्स ऑफ पैरालेल लाइंस है वो कम होता जाएगा, या ऊपर आप जाएंगे या नीचे आएंगे, पोल्स की तरफ नीचे आएंगे तो भी जो इमेजिनरी लाइन है ये वाला कम होगा, और नीचे आएंगे तो बढ़ेगा, इक्वेटर पे आकर के सबसे बड़ा हो जाएगा। ऑल पैरालेल्स आर लोकेटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, जितने भी पैरालेल है वो एक दूसरे के समानांतर पर स्थित हैं, समान दूरी पे स्थित है, ये भी कह सकते हैं। मतलब इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है और उतना ही डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरालेल्स एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज अबाउट 1111 किलोमीटर। इट मीन्स दैट दो पैरालेल लाइन्स के बीच में अगर 1 डिग्री का अंतर है ग्लोब पर, तो रियल में अर्थ के सतह पर यह डिस्टेंस बढ़ करके 111 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ तो छोटा करके समझने के लिए किए हैं, लेकिन रियल में इतना हो जाएगा, 1 डिग्री इक्वल टू 111 किलोमीटर। और टोटल जो लैटिट्यूड खींचे गए हैं ग्लोब पर उनकी संख्या 181 है, ये भी याद करना पड़ेगा। द इक्वेटर इज द ओनली ग्रेट सर्कल वाइल द अदर पैरालेल्स आर ऑल अ स्मॉल सर्कल। इक्वेटर जो है वो एकमात्र सबसे बड़ा सर्कल है, जबकि दूसरे पैरालेल्स जो हैं इक्वेटर से ऊपर या नीचे वो सब छोटे सर्कल हैं।